रेणुका जी, हमारे चैनलों पर आपका स्वागत है। धन्यवाद आपका। लगातार आप चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं, किस प्रकार का आपको समर्थन प्राप्त है? देखिए, मुझे ये कहते हैं बहुत खुशी हो रही है कि आदमपुर हल्के के किसी भी गांव में जहां भी मैं गई हूं, वहां एक जोश, उत्साह, एक जश्न का माहौल बना हुआ है और काफ़ी जोश है सभी हमारे आदमपुर वासियों में, क्योंकि ये चुनाव हमेशा की तरह आदमपुर हल्के का चुनाव है। यहाँ आप जितने भी व्यक्ति देख रहे हो, प्रत्येक व्यक्ति यहाँ अपने आप को भव्य बिश्नोई मानकर ये चुनाव लड़ रहे हैं, तो एक जोश और इतना खुशी का माहौल बना हुआ है पूरे आदमपुर हल्के में। तो इसलिए मैं मानती हूँ कि हमारा जो चुनाव प्रचार चल रहा है बहुत ही शानदार तरीके से चल रहा है और एक आदमपुर भव्य जीत की ओर अग्रसर हो रहा है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का कहना है कि चारों कैंडिडेट कांग्रेस के ही हैं, तो कंपटीशन किस लिए? देखिए हमारा जो हमारे यहाँ से भव्य से वे चेहरा है और ये चुनाव जो है आदमपुर वासियों का चुनाव है। हर एक प्रत्येक जो हमारा वोटर है यहाँ पर अपने आप को, चाहे वो स्वर्गीय चौधरी भजनलाल जी का चुनाव रहा हो, चाहे मेरा रहा हो, चाहे माता जी का रहा हो, चाहे कुलदीप जी का रहा हो या भव्य का रहा है, यहाँ किसी व्यक्ति विषय हम यह मायने नहीं रखते। हम एक चेहरा है क्योंकि एक कैंडिडेट को खड़ा होना पड़ता है। यहाँ प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को कैंडिडेट समझ के और ये चुनाव लड़ रहा है और शानदार तरीके से आप देख लेंगे 6 तारीख को एक ऐतिहासिक जीत आदमपुर हल्का दर्ज करने जा रहे हैं। कुछ किसानों का सवाल है कि कुलदीप जी ने किसान आंदोलन में इस्तीफा न देकर के अब इस्तीफा किस कारण से दिया? देखिए, इस्तीफा देना सूझबूझ है या जो भी मांगे, जिस किसी भी वर्ग की कोई मांग है उसको पूरा कराने में विश्वास रखोगे या इस्तीफा देने में विश्वास रखोगे आप? यदि रही बात कोई, इन्होंने शुरू में प्रचार किया कि वहाँ पर धरने चल रहे हैं स्कूल वालों के, तो कुलदीप बिश्नोई धरने में नहीं पहुँचा। तो कुलदीप जी ने बेशक धरने में जाके उनसे एक बार मुलाकात की, बैठना ज़रूरी नहीं होता। स्कूल यदि खुलवाए हैं तो कुलदीप जी ने मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना करके वो सारे स्कूल खुलवाए, तो आप किसको ज़्यादा महत्व देंगे, धरने पर बैठना या जो लोग वहाँ धरने पर बैठे हैं उनको समस्याओं का हल निकालना है, कौन सा ज़्यादा महत्वपूर्ण है? मैडम, लगातार आप सत्ता में रहे हैं, कांग्रेस की बात करें या उससे पहले की बात करें, और अब लगभग 6 महीने से भी आप सरकार के अंदर हाथ है। अगर विकास की बात करें तो आदमपुर में विपक्ष का आरोप है कि विकास नहीं हो पाया। देखिए, हम सत्ता में नहीं थे ना, प्रॉब्लम ये है कि हम विपक्ष में रहे हैं पिछले 25 साल से। इस बार हमारा सत्ता में हिस्सेदारी है, तो हमारा भाजपा में जाने का भी यही मकसद था कि जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी और मनोहर लाल खट्टर जी के कुशल नेतृत्व में जिस प्रकार से देश और प्रदेश में विकास हो रहा है, और निष्पक्ष होकर मनोहर लाल खट्टर जी आशीर्वाद दे रहे हैं सभी हलकों पर, तो कुलदीप जी ने अपने कार्यकर्ताओं और समर्थकों से एक बैठक बुलाकर उनसे राय मशवरा किया कि क्यों ना हम पार्टी में शामिल होकर ही मनोहर लाल खट्टर जी के हाथ मजबूत करें, ताकि जो भी विकास कार्य जो धीमी गति से चल रहे आदमपुर हल्के में वो तेज़ रफ्तार पकड़ पाए। आपने कहा विकास को लेके आप पार्टी के अंदर गए हैं बीजेपी में, विपक्ष का आरोप है कि विकास तो आपने नहीं करवाना, लेकिन कहीं ईडी का डर दिखाया गया है विपक्ष का? ये सोचो, जो हम पे आरोप लगा रहे हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी चाहे कांग्रेस पार्टी हो, ईडी के मुकदमे तो दोनों पार्टियों के नेताओं पर चल रहे हैं, हमारे ऊपर नहीं चल रहे। तो ये गुमराह करने की बात है, उनको यही नहीं पता कि आदमपुर हल्का है सबसे जागरूक हल्का, यदि पूरे देश में कोई है तो आदमपुर हल्का है। तभी तो उनके पता है सही और गलत, अपने पराए में इनको फ़र्क पता है। तभी यदि 54 साल से भजनलाल जी की यह गढ़ वैसा का वैसा अभी तक खड़ा है, सिर्फ और सिर्फ इनकी सूझबूझ और इनकी समझदारी के कारण। विपक्ष ने आरोप लगाया भव्य बिश्नोई पर भी कि उन पर 4 केस अभी भी लगे हुए हैं, लेकिन जिस टाइम पर्चा भरा था उस टाइम 1 केस दिखाया गया है, क्या क्या कहेंगे इस पर? देखिए, आपके पास स्पष्ट हो चुका है कि ये सिर्फ गुमराह करने की बातें करती है। इनको ये देखना चाहिए, ये भव्य से उम्र में कम से कम डबल उम्र के हैं, इनसे इनके बाप और दादों की उम्र के कैंडिडेट्स खड़े हैं। एक तरफ भव्य बिश्नोई 29 साल का कैंडिडेट, और इनके यदि प्रचार में यदि आप फ़र्क देखो तो एक आदमपुर हल्के के विकास की बात करते हैं, मुद्दों की बात करते हैं, और दूसरे जो इतने मंझे हुए खिलाड़ी हैं वो सबके सब पर्सनल अटैक करने पे तुले हुए। और आपने ये बयान तो दे दिया, आपने ये भी तो पढ़ा ही होगा ना कि भव्य के उसके नामांकन पत्र में कोई कमी नहीं है और उसका किसी प्रकार की कोई भी उसमें दिक्कत नहीं है। जयप्रकाश जी ने तो आज ये भी आरोप लगा दिया, अभी इंटरव्यू करके आए थे, उन्होंने कहा कि कुलदीप बिश्नोई की तो बुद्धि में फ़र्क पड़ चुका है। वो शायद अपनी बात कर रहे हैं, और उनसे ये पूछिए कि 2009 के बाद क्या आप आदमपुर हल्के का रास्ता ही भूल गए थे, आज भटकते हुए यहाँ आए हो?
तो ये तो बलि का बकरा बनने आया है ताकि आगे की जो 2024 की अपनी टिकट कहीं ना कहीं से ये पक्की कर पाए। आप महिला हैं, महिलाओं के लिए आपकी क्या प्राथमिकता रहेगी? देखिए, महिलाओं की बेचारियों की बहुत कोई लंबी चौड़ी डिमांड नहीं है, उनका सिर्फ यही है कि यदि वो ढाणियों में या खेत में गाँव में जहाँ कोई पीने के पानी की समस्या या पाइपलाइन नहीं पहुँच पाई वहाँ तक उनको पीने का पानी मिल जाए और उनको 24 घंटे बिजली चाहिए और यदि मार्ग उनके यदि सही सलामत नहीं है तो उनको मार्ग। तो मैंने महिलाओं से सबसे विशेष तौर पे उनको विश्वास दिलाया कि जो भी मूलभूत सुविधाएं की यदि बात है और जो भी उनकी डिमांड्स रहेगी मैं उनकी आवाज़ और उनके जो भी समस्याएं उनको लेकर मुख्यमंत्री जी तक ज़रूर पहुँचवाऊँगी और प्रत्येक समस्या का हल करवाने का मेरा पूरा उसमें योगदान रहे। देखिए, धरने अभी भी चले हुए हैं लेकिन हमारा आखिरी सवाल रहेगा कि आपको किसको चुनौती दे रहे हैं और क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, हमारी चुनौती हमारे खुद के साथ है कि जो पिछले चुनाव में हमारी लीड रही है उस लीड को कहीं ज़्यादा हम आगे बढ़ाकर एक शानदार जीत हम आदमपुर हल्के में हम दर्ज कर पाए। मेरी सभी से मेरे वोटर से मतदाताओं से यही प्रार्थना है कि 3 तारीख को अपने वोट का प्रयोग ज़रूर करें और सही प्रयोग करके यहाँ भव्य अपने जो कैंडिडेट है या अपने आप में जो कैंडिडेट हो एक प्रत्येक व्यक्ति जो यहाँ बैठा है अपने आप मजबूती से ये चुनाव लड़े और एक ऐतिहासिक और एक शानदार जीत हम 6 तारीख को दर्ज करें। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये थे हमारे साथ रेणुका बिश्नोई जी और देखते हैं क्या होगा, इंतज़ार रहेगा 6 तारीख का। तब तक आप बने रहें हमारे साथ।